मुंबई एमसीए में बैठक कांग्रेस कोर कमेटी की थी, लेकिन चर्चा में शरद पवार रहे। शरद पवार किसके साथ हैं? अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो एमवीए का क्या होगा? कांग्रेस के खेमे से प्लान बी को भी हवा दे गई। हालांकि महाराष्ट्र में संभाजी नगर के दौरे पर गए शरद पवार ने देश में बढ़ रही नफरत की घटनाएं और मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। शरद पवार ने ठाकरे गुट और कांग्रेस के प्लान बी की तैयारी की खबर को भी गलत बताया। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने की लंच की है, ये बताया। कहां तो चर्चा थी प्लान बी की। प्लान बी यानी माइनस शरद पवार एमवीए यानी कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी जो रखी गई थी वो इसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी में रखी गई थी। मतलब शरद पवार के साये से कांग्रेस को मुक्ति नहीं, हुआ भी वही। कोर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी शरद पवार को लेकर पार्टी में भ्रम होने से इनकार किया, लेकिन ये भी कहा कि जनता में भ्रम है और इसे लेकर कांग्रेस हाई कमांड इस पर शरद पवार से चर्चा करेगा। जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड ने शरद पवार को लेकर फैल रहे भ्रम को साजिश करार दिया है। इंडिया को डैमेज करने की कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि शरद पवार इज द फेविकॉल ऑफ इंडिया। वो स्टिक फास्ट अप, हाउ यू सर्च, यू स्प्रेड द न्यूज, आई डोंट स्प्रेड द न्यूज, सो यू आस्क कांग्रेस अबाउट इट, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग मी, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग शरद पवार? यू आस्क देम ना, यू आस्क देम that Mr. Sharad Pawar is categorically cleared that he is not going to go with any communal parties. अपने चाचा से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी अजीत पवार दो बार वाईबी चौहान सेंटर में जाकर अपने चाचा से मिल चुके हैं। ये दोनों मुलाकातें खुलेआम हुई थी इसलिए चर्चा कम हुई, लेकिन पुणे में शनिवार को एक कारोबारी के घर में हुई दोनों की गोपनीय बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। खासकर एमवीए के खेमे में शरद पवार को लेकर बना भ्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।